Hello students, myself Deepak Mangotia, and here on the board there is problem, numerical problem is there. And what your numerical problem? A convex mirror used in a bus has radius of curvature 3.5 cm. If driver of bus located a car at 10 meter behind the bus, find the position, nature and size of image. So first hume given kya hai yahan pe? गिवन जो है हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे कन्वेक्स मिरर की वो बात कर रहा है, तो कन्वेक्स मिरर में ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा, ये फोकल लेंथ आएगी, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं आएगा मेरे पास, तो ऑब्जेक्ट जो है तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो आएगा वो नेगेटिव, डिस्टेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर वो मेरे पास क्या आएगा, पॉजिटिव, फोकल लेंथ जो भी आएगी मेरे पास वो भी क्या आएगी, पॉजिटिव. ये तो साइन कन्वेंशन हमें यहाँ पर मिल रहा है. गिवन और गिवन क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है यहाँ पे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो गिवन है वो कितना गिवन है, 3.5 मीटर. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से आप क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, फोकल लेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर मैं फोकल लेंथ डिटरमाइन करूँ तो फोकल लेंथ क्या आएगी, आर बाई टू, और जब टू से डिवाइड करूंगा तो ये टर्म जो है वो मेरे पास क्या बन जाएगी, 1.75 मीटर. तो ये मेरे पास फोकल लेंथ आएगी. नेक्स्ट मेरे को गिवन है कार, लोकेटेड अ कार, तो ये जो कार है वो क्या एक्ट होगी, दिस कार एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट, कार ऑब्जेक्ट आएगी और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो क्या आएगी, यू, एंड दिस पोजीशन इज 10 मीटर. बट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है यू जो है, तो यू यहाँ पे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, नेगेटिव. तो यहाँ पे यू जो रहेगा वो क्या रहेगा मेरे पास, नेगेटिव. तो विद द हेल्प ऑफ मिरर फॉर्मूला हियर वी कैन डिटरमाइन द दिस पोजिशन ऑफ इमेज. तो व्हाट योर मिरर फॉर्मूला, 1/f = 1/v + 1/u. तो यहां से मेरे पास 1/v कितना आएगा, 1/v आएगा 1/f - 1/u. तो अगर मैं यहां पे वैल्यूज पुट करूं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f, योर वैल्यू ऑफ f इज 1.75, योर वैल्यू ऑफ f इज 1.75 मीटर, माइनस व्हाट द वैल्यू ऑफ u, वैल्यू ऑफ u इज -10 साइन कन्वेंशन के साथ. तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 1/v = 1.75 + 1/10. तो अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यूज को सॉल्व करूँ तो v जो मेरे को मिलेगा, वो v की वैल्यू जो मेरे को मिलेगी वो मिलेगी 70/47 एंड दिस इक्वल टू 1.5 मीटर. तो v जो मिलेगा मेरे को कितना मिलेगा, 1.5 मीटर. तो v यहाँ पे हमने डिटरमाइन किया, तो v मेरे को कितना मिला, दैट इज 1.5 मीटर. अब अगर मैं नेचर ऑफ इमेज यहां पे बताऊं, नेचर ऑफ इमेज, तो v किसमें मिल रहा है मेरे को, पॉजिटिव मिल रहा है, तो u जो होगा वो नेगेटिव इधर को होगा, दिस इज योर u, v जो है वो मुझे पॉजिटिव मिल रहा है, इट मीन पॉजिटिव यहां कहीं होएगा आपके पास. अब ये जो इमेज मिलेगी वहां पे, तो जो नेचर ऑफ इमेज मिलेगी वो कैसी होगी, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल, पॉजिटिव साइड में बन रही है, तो यहाँ पे जो भी इमेज बनेगी वो क्या मिलेगी, वर्चुअल, क्योंकि ये हमारे पास क्या रहेगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये मेरे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रेज एक्चुअली रिफ्लेक्ट होकर इधर को जाएंगी, तो यहाँ पे आपको जो होगी वो किसकी फॉर्मेशन होगी, वर्चुअल इमेज की. थर्ड जो उसने क्या पूछ रखा है वहां पे, थर्ड उसने पूछ रखा है साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज. तो साइज ऑफ इमेज में हमारे पास मैग्निफिकेशन का रिलेशन क्या है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज इक्वल टू वी अपॉन यू, v की वैल्यू आपके पास है, u की वैल्यू आपके पास है, तो यू कैन डिटरमाइन द साइज ऑफ इमेज. तो व्हाट द वैल्यू ऑफ v, वैल्यू ऑफ v इज 1.5 मीटर, पॉजिटिव में है, बट वैल्यू ऑफ u नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा -10, तो साइन यहां पे कैंसिल हो जाएंगे, ये दिस इज योर 1.5/10 एंड दिस बिकम h' / h इज इक्वल टू 0.15 एंड देयरफॉर साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू 0.15 टाइम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ये जो साइज रहेगा हमारे पास वो साइज क्या करेगा, उसका डिक्रीज करेगा यहाँ पे. तो इमेज जो मिलेगी वो किसकी मिलेगी आपको, स्मॉल साइज की. अगर यहाँ पे मैं एच डैश का साइन देखूँ तो एच डैश का साइन जो है मेरे पास क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्या इंडिकेट करता है, दैट इज देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ इरेक्ट इमेज. तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इरेक्ट. तो नेचर ऑफ इमेज की अगर मैं बात करूँ तो मुझे क्या मिलेगी, वर्चुअल इमेज मिलेगी, और साथ में जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, इरेक्ट इमेज. और पोजीशन जो रहेगी उसकी वो कहाँ पे रहेगी, वो राइट साइड में रहेगी, पॉजिटिव साइड में रहेगी, दैट इज 1.5 मीटर. तो ये डिस्टेंस कहाँ से होगा, पोल से.
थैंक यू स्टूडेंट्स।